मंगवाल वेलफेयर एसोसिएशन का अहम इजलास आज बरोज हफ्ता शाम 7 बजे दफ्तर गोल्ड स्टार CNG पर जेर सदारत मंगवाल वेलफेयर एसोसिएशन सदर जवेद इदास डार मुनक्कद हुआ। हकीम मोहम्मद अरशद की जानब से मसूला तफसीलात के मुताबिक मंगवाल वेलफेयर एसोसिएशन का अहम इजलास दफ्तर गोल्ड स्टार CNG पर जेर सदारत जवेद इजाद डार मुनक्कद हुआ, जिसमें नए इलेक्शन करवाने के हवाले से मशावरत की गई। अबूरी सेटअप और इसके अलावा सबका अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया। इस मौके पर वेलफेयर एसोसिएशन के आयन की तदवीन पर भी मशावरत की गई। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया और नाज शरीफ की सदर जनाब मखदूम रबानी ने हासिल की। इजलास का बाकायदा झंडा मंगवाल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जवेद इजाद डार ने पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर खादम साहब ने तदवीन करदा मंशूर पढ़कर सुनाया। सरप्रस्ते आला सैयद जाफर शाह, जवेद इजाद डार, चौधरी मनान साजिद वड़ैच, मिर्जा अली हसन, डॉक्टर गुलाम सरवर पोमा, चौधरी मोहसन वड़ैच, अली अमैर, अमीद अरशद, मिर्जा नाजम, फयाज अहमद कासम, राजा सेठ बलाल, अहमद उस्मान साई, मियाँ मखदूम रबानी, मेहर खान, फैसल वड़ैच, सेठ शहबाज अहमद, खुरम इजाद डार और मीडिया एडवाइजर की मोहम्मद अरशद ने इजलास में शिरकत की। प्रोग्राम के अख्ताम पर सैयद जाफर शाह साहब ने दुआए खैर फरमाई। इसके बाद पुर तकल्लफ शाइये से हाजरीन की तवज्जो की गई। कैमरामैन टीम के साथ हकीम अरशद, मंगवाल न्यूज, मंगवाल। अपने इलाके की हर खबर पर नजर, मंगवाल न्यूज देखते रहिए। मंगवाल न्यूज आपका अपना चैनल मंगवाल।